डेढ़ बजे सिर्फ और सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब, मैं प्रेरणा चड्डा हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक इश्यूज पे खास प्रोग्राम लेके। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात दूरदर्शन के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स की। जी हाँ, दूरदर्शन ने हाल ही में अपने ऑल टाइम हिट प्रोग्राम्स के गुलदस्ते में दूर से नमस्ते और स्वराज जैसे प्रोग्राम्स को शामिल कर भारत की टेलीविजन इंडस्ट्री में धूम मचा दी है। हाल ही में USAID एंड यूनिसेफ ने दिल्ली के एक जश्न में दूरदर्शन नेशनल चैनल और YouTube पर दिखाए जाने वाले एंटरटेनमेंट प्रोग्राम दूर से नमस्ते को फॉर्मली लॉन्चिंग किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। What a lovely film, beautiful. राजधानी दिल्ली के एम्बेसडर होटल के अंदर का ये जश्न दूरदर्शन और YouTube पर टेलीकास्ट होने वाले नए एंटरटेनमेंट प्रोग्राम दूर से नमस्ते का है, जिसे ऑर्गेनाइज किया है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूनिसेफ ने। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू आई वुड से द मिनिस्ट्रीज एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अबाउट द अमेजिंग जॉब डन अबाउट कोविड प्रिवेंशन। As we mark the 75th anniversary of the US-India relationship with the Doordarshan Network as our partner for this initiative, this promises unparalleled impact with the ability to reach even more remote locations. और इस जश्न के खास मेहमान हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एडिशनल सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर मिस रोली सिंह। There was a huge drive, it was an all nation effort across ministries to reach out to people, first of all to make sense of what was going on with us and how to handle it, and then how to reach out to the public with the correct information and the correct messaging. Ministry of Information and Broadcasting ki additional secretary Ms. Nirja Sekhar. We were very lucky that we had great communication channels throughout the country and the entire communication with the people was led by the Prime Minister of India. He's the principal communicator, and throughout the COVID period, whenever he spoke, people listened. People listened in a manner never heard of earlier. दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल और CEO प्रसार भारती श्री मयंक अग्रवाल। We at दूरदर्शन as a public broadcaster, we are committed for public messaging for public good, and this serial is very much part of that. In khas mehmanon ke alawa is jashn ka dusra attraction Dur Se Namaste series ki theatrical film ki team thi. Isme shamil the lead role actor Ankit Raizada, Dolly Chawla, Atul Parchure aur Manish Singh. Namaste, Dur Se Namaste. To मेरा नाम डॉली चावला है और मैं इसमें गीत का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। ज़्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ी नहीं, क्योंकि गीत और डॉली दे बोथ आर वेरी सिमिलर। बस इसमें एक चीज़ ये हुआ कि हाँ, मुझे मैसेज देना पड़ा जो सबको, जो मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस था। बिकॉज बींग एन एक्टर, मैं जितने टाइम से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, तो हम नॉर्मल डेली सोप करते हैं, टीवी शोज करते हैं, फिल्म करते हैं, बट किसी के थ्रू मैसेज देना, सो यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी। Is another very serious subject that has to be handled, that has to be taken care of, and to reach out to 135 million people in India, Doordarshan is the thing where you can reach people with, again telling them what to do, what not to do, in a very humorous manner. You said it actually. जो हम लोग देखते थे कि कुछ frontline warriors थे जिन्होंने बहुत जाबाजी से देश को संभाला था, और कुछ अनसंग हीरोज थे, तो उसी टाइम पे विश्वेश्वर लाल जैसे कुछ मोहल्ले में लड़के हुआ करते थे जो इमरजेंसीज के टाइम पे, जैसे कि किसी के घर में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना है, किसी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, या बेड के लिए जहां लाइनें लगती हैं, लोग नहीं जा पाते, वहां पे पहुँचता है। तो इस तरीके का कैरेक्टर जो कि सोशल वेलफेयर के लिए रहता है, दिल से करते हैं,
वो कैरेक्टर करना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये कैरेक्टर प्ले करके। एक स्टोरी क्रिएट करने में, उसका एक इंट्रोड्यूस करने में, उसका एक बेस बनाने में थोड़ा वक्त लग जाता है, बट जब तक हमारे पूरे 36 एपिसोड्स एयर हो जाएंगे, आई एम श्योर द शो विल टेक अ लॉट ऑफ मोमेंटम एंड देन आई फील वी शुड हैव मोर सच सब्जेक्ट्स विच वी कैन यूज दिस सीरीज एज अ व्हीकल टू कैरी दोस फॉरवर्ड। हुनर निकलता है, हुनर होता है, सो देर इज दीज काइंड ऑफ मैसेजेस विच आर वेरी सटली एक्सप्रेस्ड इन द स्टोरी विथ ऑल लव ड्रामा। वैक्सीनेशन है तो वैक्सीनेशन कैंप भी है, सब कुछ दिखाया गया है, लेकिन इन अ वेरी सटल वे, वेरी स्लो वे, वेरी प्यार से बताया गया है, नॉट इन फोर्स्ड वे। तो इस तरह के प्रोग्राम जब बनते हैं जिनको हम एजुटेनमेंट कहते हैं, वो बेसिकली एंटरटेनमेंट के माध्यम से लोगों को एक मैसेज पहुंचाते हैं, और इनका बहुत ज़्यादा इनकी अहमियत होती है, क्योंकि इससे लोगों को बिना बहुत ज़्यादा बोझिल नहीं लगता, वो इसको देख के उसको इंजॉय भी करते हैं, परिवार के साथ उसको समझते हैं और हंसते हैं और सीखते हैं। दूर से नमस्ते, दूर से नमस्ते दरअसल एक नई टेलीविजन सीरीज है जो COVID-19 महामारी के बाद की दुनिया में हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करती है। मैंने मास्क ऑर्डर दिलवाया था आपको, अभी तक ये एक एंटरटेनमेंट फॉर्मेट में डेवलप की गई सीरीज है जो COVID-19 पेंडेमिक के बाद की दुनिया के चैलेंजेस को हम सबके सामने उजागर करती है और हेल्दी बिहेवियर और प्रैक्टिसेस को अपनाने पर जोर देती है। दूर से नमस्ते शनिवार शाम 6 से 7 बजे और रविवार सुबह 11 से 12 बजे। यूनिसेफ और दूरदर्शन का इतिहास, द हिस्ट्री इज नॉट जस्ट टुडे, अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो। ये आज देखा आपने दूर से नमस्ते, उससे आगे 2 सीरियल भी बना था, एक क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है और आधा फोन। सभी 3 में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? एडुटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। एंड सिंस द लास्ट 20 ईयर्स दूरदर्शन और यूनिसेफ हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग इन द एजेंडा। दूरदर्शन ने हमेशा से ही देश की इंटेग्रिटी, यूनिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल वैल्यूज को बनाए रखने के साथ साथ एजुकेशन, लिटरेसी, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए डेडिकेटेड रहा है। दूर से नमस्ते जैसे प्रोग्राम्स की फॉर्मल लॉन्चिंग का ये जश्न दूरदर्शन के उसी डेडिकेशन की गवाही दे रहा है। तो अभी भी एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को जारी रखना चाहिए, और ये कोविड मैसेजिंग और हेल्थ मैसेजिंग के ऊपर जो है ये सीरियल है, बड़े नेचुरल वे में इसमें जो है कोविड के मैसेजेस हैं फैमिली ड्रामा के माध्यम से। तो एक होता है स्टोरी टेलिंग, उससे जो है जो संदेश जाता है वो आप जो है एक अच्छी तरीके से उसको ग्रहण कर लेते हैं, उस संदेश को। आज हम COVID-19 पेंडेमिक की वजह से बदली हुई दुनिया में जीने पर मजबूर हैं। हमारा मिलना जुलना और काम करने के तौर तरीके बिल्कुल बदल गए हैं। ऐसे में हेल्दी बिहेवियर पर बेस्ट प्रोग्राम सीरीज व्यूअर्स के सामने पेश करना वाकई कमाल की बात है। जब हमने इस बारे में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की एडिशनल सेक्रेटरी से बात की तो उनका कहना था, देखिए ये जो दूरदर्शन है और ऑल इंडिया रेडियो है, ये मास मीडिया है, इनके द्वारा लोगों तक हमेशा से हम लोग पहुंचते आए हैं। सरकार हमेशा से दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचती आई है। ये और अच्छी बात है कि आज के दिन और बहुत सारी परमिशंस देकर हमारे पास प्राइवेट टीवी भी आ गए हैं, रेडियो, प्राइवेट रेडियो भी हैं, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी हैं, लेकिन फिर भी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की जो पहुंच है वो आज भी उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसके माध्यम से, इन दोनों चैनल्स के माध्यम से हम लोग क्योंकि प्रसार भारती जो कि जिसमें दूरदर्शन और रेडियो दोनों आते हैं, ऑल इंडिया रेडियो, इसका मेन काम है इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट। तो ये दोनों जो काम है ये दूरदर्शन के ज़रिए और रेडियो के ज़रिए बहुत खूबसूरती से किए जा सकते हैं, और यही एक जो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है इस तरह के प्रोग्राम दिखाने का। सो दूर से नमस्ते टाइप के प्रोग्राम जो हैं ये बहुत आगे तक हमें ले जा सकते हैं। इसी तरह का एक प्रोग्राम एंटरटेनमेंट के माध्यम से जो हम आगे ले जा रहे हैं वो है स्वराज सीरियल, वो भी संडे के दिन ही सुबह
अगर हमारे पास दूर से नमस्ते है तो शाम को हमारे पास स्वराज सीरियल है। तो संडे के लिए तो हमने लोगों को खूब अच्छे से बिजी कर दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसको बहुत शौक से देखेंगे इन दोनों को। जब हमने दूर से नमस्ते और स्वराज जैसे सीरियल्स के प्रोडक्शन और टेलीकास्ट के पीछे के मकसद को जानना चाहा तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की एडिशनल सेक्रेटरी का जवाब था, इस तरह के जो प्रोग्राम है दूर से नमस्ते है या दूरदर्शन पर और बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, सबसे पहले तो मेनली एंटरटेनमेंट है। लोगों के पास इस तरह से लगे कि जैसे उनके आसपास कोई मोहल्ला है, गांव है, लोग मिलते जुलते हैं, उसी तरह का एक माहौल लोगों को दिया है। और फिर इस तरह की बातें यदि हम कहें कि जानकारी देने वाली बात है, वो तो हम आपस में भी जब बात करते हैं तो दूसरे को कह ही देते हैं भाई हाथ धो लो, बच्चों को कह ही देते हैं कि खाने से पहले हाथ धो लीजिए या बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन लीजिए, भीड़ में जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से रहिए, लोगों से दूर रहिए, डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन कर। कुछ चीज़ें तो हम फिर भी हर रोज़ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हम जानकारी समझाते रहते हैं एक दूसरे को, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना, सेहत का ध्यान रखना कि बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी की तरह है, क्योंकि जिंदा है, जान है तो जहान है। ज़िंदा रहना और अच्छी सेहत के साथ ज़िंदा रहना तो बहुत ज़रूरी है, और ये एक ऐसी जानकारी है जो हमें लोगों को शुरू से ही बचपन से ही देनी है। तो एज़ माँ बाप, एज़ भाई बहन, एज़ दोस्त, हम लोग एक दूसरे को कहते रहते हैं कि अपनी सेहत का ध्यान रखना है। तो उसी तरह की बातों बातों में इस तरह की बहुत बातें इस सीरियल में की जा रही हैं, और हम समझते हैं कि जैसे जैसे ये सीरियल आगे बढ़ेगा, बाकी रोज़मर्रा के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा से संबंधित हैं या समाज से मिलते जुलते मुद्दे हैं, सेहत से मिलते जुलते मुद्दे, उन मुद्दों को भी हम उम्मीद करते हैं कि ये सीरियल जो है अपने अंदर कहानियों के ज़रिए लोगों तक कुछ कुछ बातें पहुंचा पाएगा। हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की एडिशनल सेक्रेटरी मैडम से न्यू रियलिटी के चैलेंजेस को समझने वाले प्रोग्राम के स्ट्रैटेजी को समझने की भी कोशिश की। जी, कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। सेहत की तरह हम जिस तरह से देखते हैं सेहत की तरफ, वो तो बदला ही है, लेकिन उसके साथ जो रोज़मर्रा की चीज़ें हमारी बदली हैं उनमें से, या ऑफिस जाते हैं या काम करते हैं उसके संबंध में जो चीज़ें बदली हैं, एक तो है वर्क फ्रॉम होम, यानी कि बहुत से लोग जो आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठ के अपना काम कर सकते हैं ऑफिस का। दूसरी बात, वो डिजिटल माध्यम से संभव हो गया है, क्योंकि हमारे देश में डेटा की कॉस्ट है डिजिटल माध्यम के से जो हम डेटा लेते हैं तो वो सबसे कम है सारी दुनिया में। तो इसलिए घर में बैठकर डेटा ट्रांसफ़र करना, बात करनी या डेटा ट्रांसफ़र करना काम करके, वो आसान हो गया है। दूसरा, वीसीज करना, बहुत सारी मीटिंग्स हम लोग ऑफिसेज में एक दूसरे से मिलना जुलना, या मुझे यदि मुंबई जाना है या चेन्नई जाकर कोई काम करना है तो अब ये संभव हो गया और ये नॉर्म बन गया है कि मैं यहाँ से भी वीसी पर लोगों से बात कर अपनी जो प्रेजेंस है वहाँ दिखा सकती हूँ। तो ये जो समय का और जो पैसे का बचाना हुआ है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, तो ये भी एक नया नॉर्म है। और नया नॉर्म जो शुरू हुआ है वो है कि स्कूल के बच्चों को जो टेलीविज़न के माध्यम से पढ़ाना या ऑनलाइन पढ़ाई करवानी, बच्चों पर बोझ भी एक तरह से बढ़ेगा कि उनको बहुत सारे माध्यम मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन ये तो अब एक नया नॉर्म ही मैं उसे कह सकती हूँ। सो हमारे पास ऑलरेडी 50 से ज़्यादा शिक्षा के चैनल दूरदर्शन पर चल रहे हैं, और इस बार बजट स्पीच में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि 200 चैनल दूरदर्शन पर चलाए जाएंगे, टेलीविज़न के ऊपर चलाए जाएंगे शिक्षा के लिए, यानी वन क्लास वन चैनल। तो वो भी अभी हम समझते हैं कि जल्दी ही एक दो साल में हो जाना चाहिए। उसके अलावा ई लैब्स का होना, इसके अलावा साइंस लैब्स का होना, मैथमेटिक्स लैब्स का होना, ई लैब्स का
ये सारा भी एक नया नॉर्म ही होने वाला है। लेकिन इससे क्या है कि शिक्षा जो है थोड़ी आसान भी हो जाएगी, समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी आप एक फिजिकल टीचर के साथ काम चला रहे हैं, यदि मैथ्स के हैं तो एक मैथ्स के टीचर हैं। लेकिन ई लैब्स के माध्यम से या ये वर्किंग लैब्स के माध्यम से आप और भी टीचर्स से सीख सकते हैं, तो अलग अलग टीचर्स से तो गुणवत्ता ही बढ़ेगी, बच्चों के सीखने की भी जो जो अलग अलग तरीकों से सीखेंगे तो बच्चों के लिए फ़ायदे की बात है। कोविड 19 पेंडेमिक के बाद पैदा हुई न्यू रियलिटी को समझने के बाद हमने उन हेल्दी बिहेवियर्स के बारे में बात की, ताकि हमें ये भी मालूम हो कि न्यू रियलिटी में जीने के लिए ज़रूरी क्या है। जो मैडम ने कहा, देखिए जब हम आज़ाद हुए थे 75 साल पहले, तो देश के हालात उस समय जो भी थे, उस वक्त जिस भी हालात में हम थे, आज उससे बेहतर हैं। जब हम तरक्की की बात करते हैं तो उसमें तरक्की में सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा कल आज से बेहतर होना चाहिए। तो हमारा कल यानी कि अगले अगर हम 25 साल की बात करें, कल क्या है, एक हमें एक सपना दिखाया है कि एक अमृत काल है, उसके बाद 100 वर्ष जब हो जाएंगे हमारे देश को आज़ाद हुए तो हम एक विकसित देश हो जाएंगे। तो ये एक सपना है, इसको हमने पूरा करना है। तो इन 25 सालों में यानी कि हमारा कल हमारे आज से और पिछले कल से तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, यदि ऐसे ही चलता रहे तो बदलाव नहीं आता। बदलाव लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपनी जगह है, लेकिन अगर हमें तरक्की देश में लेकर आनी है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को सुधारना है, स्वच्छता की बात ही की जाती है, शिक्षा की बात की जाती है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन की भी बात की जाती है, यानी कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें ये भी बात की गई है कि जब आपने पढ़ाई पूरी कर ली है तो उसके बाद किसी भी समय आपको और लगे कि मुझे कुछ और सीख कर कुछ और करना है, तो ये नहीं है कि आपने अपनी डिग्री ख़त्म कर ली और फिर आप ज़िंदगी भर पढ़ाई नहीं करेंगे। तो ये जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन है, तो ये सारी चीज़ें हमारे सपने साकार करने के लिए बनाई गई हैं। तो हमें बहुत सारी आदतों में भी सुधार करना पड़ेगा। स्वच्छता एक बहुत बड़ा एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जहाँ पर बिहेवियरल चेंज, यानी हमें अपना बिहेवियर चेंज कर कर अपने देश को साफ सुथरा रखना है, तो बहुत ज़रूरी है। दूर से नमस्ते जैसे जो प्रोग्राम हैं, जो कि एंटरटेनमेंट भी हैं, एजुकेशन भी हैं और परिवार को साथ रखने वाले कार्यक्रम भी हैं, ये कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं। और दूरदर्शन की यही खासियत है कि जो उसके कार्यक्रम हैं, सारा परिवार, बच्चे, बूढ़े, यंग, सभी लोगों को रिलेट करता है ये प्रोग्राम। और जो उसमें बच्ची है गीत, जो लीड एक्ट्रेस हैं, वो उनकी एस्पिरेशंस हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल भी हैं, पिता की बात भी मान रही हैं लेकिन वो काम भी करना चाह रही हैं, घर में भी रहती हैं लेकिन उनका सपना भी है कि वो एक डिज़ाइनर बनना चाहती हैं। और जो उनके पड़ोसी का बेटा है विशु, वो उसके भी बहुत सारे सपने हैं, वो समाज में काम बहुत करता है, माँ बाप सोचते हैं वो किसी काम करे। सो ये जो इसमें कैरेक्टर्स हैं वो बड़े रिलेटेबल से हैं, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं और कई बार उनकी जो उनकी खूबसूरती या उनके किरदार की खूबसूरती कहिए या उनके जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, हम कई बार उनको नहीं पहचान पाते, लेकिन इस तरह सब मिलकर बैठकर देखेंगे तो अच्छा लगेगा। इसमें शक नहीं कि दूर से नमस्ते प्रोग्राम आज की तारीख में समाज का आईना है और इसका मैसेज भी बहुत साफ है। यही वजह है कि USAID और यूनिसेफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन इसे सेलिब्रेट कर रहा है। भारत एक बड़ा देश है जिसकी आबादी काफ़ी दूर दराज इलाकों में बसती है। कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी लोग सिर्फ दूरदर्शन देख पाते हैं। खुशी की बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और प्रसार भारती के सीनियर ऑफिशियल्स हमेशा उन इलाकों तक ज़रूरी बातें पहुँचाने की कोशिश करते हैं। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो देश भर के लोगों को सही जानकारी और सही न्यूज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी 11 नवंबर को हमारा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे है, उस समय भी हम देखेंगे कि
पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एक बहुत ही डेडिकेटेड सर्विस है, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट मोटिव नहीं है, लोगों तक पहुंचने का हमारा मकसद है और लोगों को सही जानकारी देने का मकसद है। पीछे एक सर्वे में ये कहा गया कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो सबसे ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं देश में, यानी लोगों को भरोसा है, यानी दूरदर्शन या रेडियो पर यदि कोई चीज़ बताई जाती है तो लोग उस पर भरोसा करते हैं। तो ये एक एक जिसे ये एक कमाई है जो बरसों के बाद ही कमाई जाती है, जिसमें दूरदर्शन और प्रसार भारती की सारी टीम को एक गर्व का मौका है और बधाई देने वाली बात है कि उन्होंने बरसों से जो मेहनत की है उससे लोगों में जो ट्रस्ट जगाया है, भरोसा जगाया है, वो एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि दौलत है हमारी। सो इसी दौलत को इस्तेमाल करते हुए हम और आगे बढ़ेंगे, लोगों तक सही बातें पहुंचाएंगे। दूर से नमस्ते तरह के प्रोग्राम हैं, स्वराज जैसे प्रोग्राम हैं, और जिसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो, इस तरह के प्रोग्राम से और लोगों के बीच पहुंचेंगे। गरीब जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं या रूरल एरियाज़ में हैं, गांव देहात में लोग बहुत शौक से देखते हैं दूरदर्शन को। सो हमारे पास एंटरटेनमेंट का, न्यूज़ का, इन्फॉर्मेशन का, डॉक्यूमेंट्रीज़ का बहुत अच्छा मिक्स है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें अभी करने वाले हैं, वो आप देखते रहिए। दूरदर्शन के लैंग्वेज चैनल्स पर बात करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की एडिशनल सेक्रेटरी मैडम ने हमें कुछ बातें पते की बताईं। हमारे दूरदर्शन में 28 दूरदर्शन केंद्र हैं और 400 से ज़्यादा ऑल इंडिया रेडियो में स्टेशंस हैं जहां से प्रोग्राम बनते हैं या सुनाए जाते हैं या न्यूज़ प्रसारित होती है। तो ये जो चैनल है ये एक पब्लिक सर्विस चैनल्स हैं, यानी लोगों की एस्पिरेशन से जुड़े हुए चैनल्स हैं, ये कमर्शियल चैनल्स नहीं हैं। हमारे मान लीजिए फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में हमारे 8 चैनल हैं, हर स्टेट का एक चैनल है, और यदि हम कहें कि कोई चैनल देश में कोई भी 28 चैनल्स में से कोई कमर्शियली नहीं चल रहा और हम इसे बंद कर देंगे, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों की जान बसती है उन चैनल्स में। सो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चैनल्स में एज अ सरकार या एज प्रसार भारती, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चैनल्स को और मजबूत करें, इनमें और अच्छा कंटेंट लेकर आएं और लोकल कंटेंट लेकर आएं, ताकि लोगों का जुड़ाव जो है इन चैनल्स के साथ बढ़े। अभी हम पीछे नॉर्थ ईस्टर्न चैनल्स के सभी हेड्स के साथ बैठ कर डिस्कस कर रहे थे, तो यही हुआ कि लोकल कंटेंट और लाने की आवश्यकता है, लोकल शोज़ लेकर आएँ, लोकल कल्चर, लोकल म्यूज़िक शोज़, रियलिटी शोज़, म्यूज़िक के रियलिटी शोज़ और लेकर आएँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोकल कल्चर में अवेलेबल होती हैं और लोगों को उनके साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस होता है, बजाय कि हम किसी और कल्चर को किसी दूसरे तीसरे कल्चर में दिखाएँ जो अपने कल्चर की डिपिक्शन है, वो लोगों के साथ ज़्यादा रिलेट करती है, लोग उसको ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो ये जो पब्लिक एस्पिरेशंस हैं वो हमें पूरी करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रसार भारती में और सरकार में, और हम चाहते हैं कि हम उस पर पूरा खरे उतरें। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।